हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप दोस्तों? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। आज है वुमेन्स डे, वुमेन वुमेन, और वुमेन्स डे में वुमेन स्पेशल तो बनता है, और इसीलिए आज जितने भी सवाल होंगे जो वुमेन्स हेल्थ पे होंगे, हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का जवाब देंगे, और बाकी सबको क्षमा है, बाकी सबको क्षमा नहीं, बाकी सबसे हम क्षमा मांगते हैं, क्षमा है समटाइम्स क्या हो जाता है पता नहीं, एनीवेज और आने चाहिए, और वुमेन्स हेल्थ पे सवालों के जवाब हम देंगे। बाकी आज से हमने एक हर हेल्थ की सीरीज भी शुरू करी है, डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियोस। आज उसका एक इंग्लिश वीडियो आया है, मैं जानता हूँ हिंदी सब कुछ चाहिए, हिंदी वीडियो भी आएगा। रिलैक्स होइए भाई साहब, हिंदी वीडियो के लिए इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा जितना आपको लग रहा है ना, थोड़ी देर में आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन शुरू करते हैं, ये पता नहीं क्या हो गया, बाकी सवाल शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ऑलराइट, और पहला सवाल आया है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, नहीं क्षमा, और थैंक यू अनमोल चांदी जी, थैंक यू सो मच, आप लोगों के वजह से ही चल रहा है हमारा भी, नाइस। हेलो अभिषेक जी, हेलो प्रिंस, ग्लूटाथ्रियोन नो, ओनली वुमेन्स क्वेश्चंस, पूछेगा डोंट वरी, वुमेन के भी सवाल पूछेंगे लोग, वुमेन के बाद सवाल आएंगे तो ही तो बात आएगी। सर कौनस डिजीज में मेडिसिन लाइफ टाइम खानी पड़ती है? नॉट एग्जैक्टली बट यस, टिपिकली आपको मेडिसिन और लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, राइट। परमानेंट, मैंने कौनस डिजीज का बनाया है वीडियो, वो जाके देखिए, परमानेंट क्योर फॉर डैंड्रफ, आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन डैंड्रफ आई थिंक सो। अरे मैं गलत वाले इसमें चैनल पे तो नहीं लाइव आ गया, पहली बात तो ये, इट्स अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। क्या मैं सही चैनल पे लाइव आया हूँ? प्लीज़ कोई मुझे बताओ, क्योंकि बहुत ही कम लोग हमारे साथ लाइव आए हैं, ऐसा तो नहीं होता कभी। नहीं, सही जगह आए हैं, सही चैनल पे हैं। सो परमानेंट क्योर फॉर डैंड्रफ, राइट। सर एज 21, कोलेस्ट्रॉल, फिर वही बात, कल पूछा था, नो, आज वुमेन्स, भाई साहब अभी एक दिन तो भाई फीमेल का बनता है ना यार, डाना बोर अरारवल गलती से मत लेना। ओके, कैन यू हेल्प मी हील पेन, राइट, अनुराधा जी का सवाल लेना पड़ेगा, कैन यू हेल्प मी विथ हील पेन, आई एम हैविंग सीवियर हील पेन इन माई लेफ्ट हील सिंस मैनी डेज, प्रीवियसली इट वॉज ओनली वाइल स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग और वेन आई यूज टू वेक अप फ्रॉम स्लीप, नाउ आई एम हैविंग ऑल द टाइम। सी, हील पेन इज नंबर वन रीजन फॉर ओबेसिटी, मोटे लोगों का, या जो लोग ज़्यादा खड़े होते हैं, तो पीपल हु आर स्टैंडिंग ऑलवेज, पीपल हु आर ओबेस, और पीपल हु हैव फ्लैट फुट, फ्लैट फुट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर हील पेन। सो यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट कि आपके केस में क्या रीज़न है, एंड ऑब्वियसली अगर आपके बॉडी में वीकनेस है, किसी प्रकार की कोई कमी है, मान लीजिए जैसे विटामिन डी, विटामिन B12, या किसी भी प्रकार की, किसी भी हार्मोन की कमी हो, सो आपको हील पेन होगा, हार्मोन, किसी भी हार्मोन कह रहा हूँ, हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो भी आपको हील पेन हो सकता है। सो इसके लिए ऑब्वियसली डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और हील में एक बहुत कॉमन कारण है प्लांटर फेशियाइटिस, जिसको कहते हैं प्लांटर रीजन, मतलब आपके पैर के तलवों के नीचे वाला रीजन, उसमें फेशिया होता है, फेशिया यानी कि एक फाइब्रस टिश्यू होता है, बैंड होता है, और उसका इन्फ्लामेशन हो जाना, इन्फ्लामेशन है कहीं भी, या हील में कोई स्पर है, हील्स पर, हील पेन पे मेरा ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो है, लेकिन आपको डायग्नोसिस करना होगा कि ये फेशियाइटिस है, ये स्पर है, ये क्या है, कि पेन क्यों हो रहा है, राइट। इवन कई बार एक्चुअल फ्रैक्चर भी होते हैं, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स भी होते हैं, सो आपको देखना पड़ेगा, राइट। और ऑब्वियसली आर्थराइटिस, ये वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, सिस्ट भी हो सकता है, सो यू नीड अ ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन एंड यू नीड अ हेल्थ चेकअप। अगर आपको डायग्नोस हो जाए कि भाई ये हो गया है, अब उसको कैसे मैनेज करना, फिर हम उस पर बात कर सकते हैं, राइट। प्लीज़ गिव मी योर नंबर, नंबर 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 ना खेलो, नंबर के लिए हमने नंबर एक दिया हुआ है, नंबर 08039658989, इस पर कॉल कर लेना सुबह 10 से रात 10 तक, और हमसे आपसे बात करवा देंगे ये लोग। वुमेन्स बेसिक हेल्थ केयर एट एज 40, प्लीज़, गुड क्वेश्चन। सी, एट एज 40 सबसे बड़ा कंसर्न वुमेन का होता है हर स्किन,
हर रिंकल्स, हर स्किन, हेयर, हॉर्मोन्स, सॉरी एंड मेंसेस, मेंस्ट्रुअल साइकल्स. सो क्यों हिल रहा है भैया, सॉरी. सो आप क्या कर सकते हैं एट 40? सबसे इम्पॉर्टेंट तो भाई देखो बेसिक, सब हमेशा एज आई से एक वुमेन के लिए स्पेसिफिक बेसिक, जो बाकी के बेसिक छोड़ के कि आपने एक रेगुलर हेल्दी डाइट, हेल्दी एक्सरसाइज, अच्छा पानी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन और विटामिन B12, वो सब होने चाहिए डाइट में, वो सब छोड़ के, या वो सब मार तो करना ही है, साथ में एक वुमेन के लिए एक 40 एज में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है प्रोटेक्शन, सन प्रोटेक्शन. सन प्रोटेक्शन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. लोग क्या करते हैं, इंडिया के अंदर ट्रेंड है धूप में बैठने का, ठीक है धूप में बैठिए, लेकिन आज की धूप पहले के ज़माने की धूप जैसी नहीं रही, वो 10 गुना ज़्यादा स्ट्रांग है और उतना ही फिर डैमेज वो करती है स्किन पे, और आप उतने ही ज़्यादा फिर केमिकल्स वाली क्रीम्स लगाते हैं कि भाई मेरे रिंकल्स भी आ रहे हैं, मेरे डार्क स्पॉट भी आ रहे हैं, मेरे ये भी आ रहे हैं, और एक तरफ डैमेज, दूसरी तरफ केमिकल्स का भी डैमेज, और डैमेज डैमेज से आप और बूढ़े और जल्दी दिखने लग जाते हो. सो प्राइमरी केयर इज़ प्रोटेक्शन दोनों से. मिनिमम केयर होता है लेकिन केयर होता है, तो मिनिमम क्रीम्स बहुत मिनिमम लगानी है, कॉस्मेटिक्स बहुत मिनिमम लगाना है 40 की एज में. फिर कवर करने के लिए मेकअप बहुत ज़्यादा लगता है, मेकअप में फिर आप समझते हैं मेकअप में फ्रेग्रेंस के लिए जो साइड इफ़ेक्ट्स वाले, मेकअप के लिए भी एक वीडियो बनना चाहिए कि नहीं आप कमेंट में बताइएगा. अगर कई लोग बोलेंगे कि मेकअप के बताओ, तो मेकअप के ऊपर जो हेल्थ है केयर के लिए इम्पॉर्टेंट नॉलेज है वो ज़रूर बनाएंगे. तो एक 40 की एज में यही सब बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, और ज़रूरी होता है वेट मैनेजमेंट. वुमेन के लिए वेट अगर मैनेज नहीं किया तो हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत आसानी से हो जाएंगे, मेंसेस इरेगुलर ज़्यादा हो जाएंगे, प्री मेच्योर मेनोपॉज हो जाएगा, राइट. ये बहुत ज़रूरी है. 40 की एज वाली वुमेन ज़्यादातर अपने बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बारे में सोचती रहते, अपने बारे में नहीं सोचते. सो इस केस में उनको अपने ऊपर ध्यान थोड़ा देना ज़रूरी है, और एटलीस्ट नहीं ध्यान दे रहे तो साल में एक बार डॉक्टर से मिल लो, थर्ड पर्सन आपको देख के बता देगा कि ओके ये गड़बड़ कर रही हो, ये मत करो. सो दैट इज़ वेयर यू डू, है ना, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए ऐसा नहीं कुछ गलत चीज़ नहीं. ओके प्रिंस प्रसाद सर, कमर में दर्द कैसे कम करे लड़की लोगों में? हाँ ये खो घुमा के पूछा है सवाल. अरे मतलब अगर सर ऐसी पूछ लेता तो प्रिंस प्रसाद को शायद जवाब नहीं मिलता. लेकिन लड़की लोगों में पूछा है तो फिर तो जवाब देना पड़ेगा. देखो कमर में दर्द का एक मैंने वीडियो वैसे बनाया हुआ है, लेकिन कमर में दर्द कम करने से पहले आपको कारण देखना पड़ेगा. सबसे बड़ा कारण है बैड पोस्चर, झुकने वाला. सो अगर मैं कारण बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा. कारण आप मेरे वीडियो में देख लो जिसमें मैंने बताया है, ऑलरेडी बनाया है इस पर डिटेल वीडियो कमर दर्द के कारण, ठीक है, बैक पेन. उसके ट्रीटमेंट पे आते हैं डायरेक्ट. क्या करो क्या करो, नंबर वन पोस्चर, घुटने लॉक मत करो. ये घुटने हैं आपके, मान लो घुटने ऐसे होते हैं, लॉक मत करो इसको, घुटने थोड़े से ऐसे रहने देना, लॉक नहीं करना कभी. घुटने लॉक नहीं करोगे, प्रैक्टिस ओनली दैट और हेड स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट. पोस्चर को प्रैक्टिस करो, खड़े रहने का, बैठने का पोस्चर. मैं जैसे बैठा हूँ एकदम स्ट्रेट पीछे होके बैठा हूँ, ऐसे भी झुक के भी बैठ सकते हैं ना, कि झुक के नहीं बैठना. आपने झुक के बैठोगे तो दैट इज़ रॉन्ग फॉर योर बैक, बैक पेन बढ़ता है. सो पोस्चर प्रैक्टिस नंबर वन की चीज़ है जो आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है. टाइम लगेगा, महीना, दो महीना, छः महीना आदत होने में, बट करना है. दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है दूध पीना शुरू करो, बिकॉज इट हैज़ प्रोटीन्स, इट हैज़ विटामिन्स, इट हैज़ विटामिन B12, सो इट इज़ गुड फॉर यू. दूध इज़ गुड फॉर यू, दूध पीना शुरू करो, ठीक है. और क्या, और आपको थोड़ा रेगुलर एक आध हफ्ते में एक बार मसाज ले लो. एक डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, वो आप उसका वीडियो देख लो, राइट. इतना करना बहुत ज़रूरी, मसाजेस करो, दूध ले लो, वज़न कम करो, पोस्चर मेंटेन करो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, बेड पे लेटे लेटे एक्सरसाइज करो, इट्स वेरी गुड फॉर बैक, ठीक है, बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़. सर मेरे हेयर शुरू से थिन है, क्या हेयर, हेयर पे बहुत सवाल हो चुके हैं, मैंने बता चुका हूँ कई बार, हेयर पे बहुत सारे वीडियो हैं हमारे, प्लीज़ वो देखो. फीमेल्स ढूंढ रहे हैं हम, फीमेल्स आज बड़ी कम आई हैं, जब हमने फीमेल्स कहाँ हैं, फीमेल क्वेश्चन. हाउ कैन वी इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन, जब मैंने आप सोने जाता हूँ हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, इसके लिए भी वीडियो है, टेस्टोस्टेरोन के लिए भी वीडियो है. ऑल राइट, ये आया एक सवाल. डाइजेशन इम्प्रूव के लिए भी बहुत सारी वीडियो है,
खास एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज डाइजेशन इम्प्रूव करेगी, खास की कोई ज़रूरत नहीं है। इट शुड बी जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ चैलेंज। एक्सरसाइज का उद्देश्य ही है कि आपको चैलेंज करना, वरना क्या मतलब है एक्सरसाइज? सैर करना एक्सरसाइज नहीं होती, राइट? सुदीप सिंह सूंद पूछ रहे, अनवांटेड 72 के डिसवांटेज, मेरे ऐसे अनवांटेड 72 या इस पर इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्शन के ऊपर एक वीडियो डिटेल्ड है ऑलरेडी, उसके एक्चुअल कोई बहुत मेजर डिसएडवांटेजेस मतलब साइड इफेक्ट्स नहीं है। ऑब्वियसली पेट, स्टमक अपसेट, उल्टी सर्दी, ये उल्टी उल्टी हो सकती है, स्टमक अपसेट हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। डिसएडवांटेज ये है कि वो 100% इफेक्टिव नहीं है। कई बार आप करोगे लेकिन वो 100% प्रेगनेंसी प्रिवेंट नहीं करेगा। सो वो पक्का वक्का ऐसा नहीं है कि हर बार ये सोच के चलो अनवांटेड 72 खा लेंगे और आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ नॉट अ गुड अप्रोच, सिंपल एज अ पिंपल, राइट? सो ये है मेन, और बाकी उसके ऊपर फुल डिटेल वीडियो है जनाब, अनवांटेड 72 या एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन बाय डॉक्टर एजुकेशन, यूट्यूब पर टाइप करो, मिल जाएगा। फैटी लिवर पे फुल डिटेल वीडियो है। अनमैरिड 27 कांट गेट रेडी फॉर सेकेंड राउंड क्विकली, हा हा इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगा, डोंट वरी, सेकेंड राउंड के लिए। अच्छा वो है। राइट, ये हर्ष जी बार बार लिखने से काम नहीं होगा, मैं पढ़ रहा हूँ आपका, लेकिन आज वुमेंस डे है। 2 साल से जॉक एज काफ़ी डॉक्टर्स, ये भी गलत हो गया। वुमेंस डे सर, हील के ऊपर हड्डी, ये क्या है अनवांटेड 72 सर? पेट भी एक बार क्लियर नहीं होता, स्पर्म बार बार जाना पड़ता। श्वेता जी सर, राइट, थिंग्स टू टेक केयर अबाउट आफ्टर डेंगी, जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम डेंगी। सी डेंगी का वैसे मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, रिकवरी के लिए आपको बस एक हेल्दी डाइट चाहिए। और श्वेता जी, इस वुमेंस डे में अनफॉर्चुनेटली ये वुमेंस हेल्थ का सवाल नहीं है, लेकिन आप वुमेन हैं, आपकी हेल्थ है, और आपका सवाल छोड़ देना गलत हो जाएगा। और उर्वशी पांडे जी भी बता रही हैं, उर्वशी पांडे का भी शगुन शर्मा ने अपना निकाल दिया। और इसके केस में आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा हम गाइड कर देते हैं कि भाई आप नंबर वन वाटर इंटेक ज़्यादा रखिए। डेंगू का सबसे बड़ा रिकवरी पॉइंट उसके बाद है हाइड्रेशन, प्रॉपर हाइड्रेशन, प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट, एंड देन स्लो रिकवरी होती है। प्लेटलेट काउंट्स धीरे धीरे बढ़ते हैं, आपकी पावर धीरे धीरे आती है, बोन जॉइंट्स में पेन रहता है। रिमेंबर टू टेक योर कैल्शियम, टेक योर वाइटामिन डी, थोड़ा बहुत धूप में जाइए, कम जाइए बट जाइए, सुबह सुबह की धूप, दोपहर की धूप खतरनाक है, एंड गिव इट टाइम, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? एंड देन उर्वशी पांडे जी, CPK लेवल्स हाई है, CPK लेवल हाई बहुत सारे केसेस में होते हैं, हर एक टाइप की मसल में, कहीं भी इंजरी हो जाए तो सॉफ्ट टिश्यू हो, मसल हो, मतलब स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कहीं भी इंजरी हो, ऑर्गन्स में इंजरी हो, तो CPK बढ़ सकता है। इसलिए CPK ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, CPK MB हार्ट के लिए है, CPK दूसरे भी आते हैं, दूसरे दूसरे ऑर्गन के लिए, राइट? दिव्या जी, ऐसे तो गलत हो जाएगा, ये पॉइंट सही नहीं है कि सब फीमेल आंसर देंगे। सर एसिड से पेट में दर्द होता है, एसिड से पेट में दर्द होती है, जलन होती है, एसिड के ऊपर हमारा वीडियो है दिव्या जी, आप जाके गैस्ट्राइटिस गैस बाय डॉक्टर एजुकेशन वीडियो देखिए, उसमें बताए गए पॉइंट्स फॉलो करो, आपको आराम आएगा। सर बताओ, ये हर्ष पाजी क्या बोल रहे हैं, एज, कोलेस्ट्रॉल, HDL, LDL, वेट, हार्ट में चुभता है या चेस्ट पेन में नहीं लेकिन कभी कभी, वेरी रेयर, ऐसा क्यों होता है? वेजिटेरियन, ऐसा क्यों होता है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है आपका, ठीक ठाक है, उससे वजह से नहीं होता, हार्ट के वजह से अनलाइकली है, अनलाइकली, स्ट्रेस, एंजाइटी, मस्कुलोस्केलेटल पेन, डिहाइड्रेशन, ये कारण हो सकते हैं। सौगाता, डार्क स्पॉट्स की बेस्ट क्रीम, अगर मुझे डार्क स्पॉट होंगे तो मैं पहले लगाऊंगा कुछ नहीं डार्क स्पॉट के ऊपर, और फिर अगर वो पहले मैं अपना मेलेस्मा वाले वीडियो के बताए गए सारे प्रिकॉशंस ट्राई करूंगा और देखूंगा, 1 महीना 28 दिन पहले फ़ोटो खींच के, फिर 28 दिन के बाद फ़ोटो खींचूंगा और फिर देखूंगा कि वो 6% के हिसाब से कितना कम हो रहा है, जस्ट बाय प्रिवेंशन, जस्ट बाय प्रॉपर मेथडोलॉजी, और फिर एक क्रीम ट्राई करने की कोशिश करूंगा, तो वो करूंगा अपनी सिंपल
स्किन लाइट क्रीम आती है अपना, वो क्रीम्स मैं ट्राई कर सकता हूँ मिनिमम क्वांटिटी में, सिर्फ और सिर्फ उस जगह पे लगाना जहाँ डार्क स्पॉट्स है। बहुत सारे लोगों को उससे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसीलिए हर एक बंदा ना लगाए, पहले आम के नीचे लगा के ट्राई कर लें कि साइड इफ़ेक्ट जलन तो नहीं हो रहा। तो इसलिए साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो रहे हैं, देन इट विल बेसिकली थोड़ा सा कर देगा, कम कर देगा। थर्ड थिंग जो ट्राई कर सकते हैं, नेचुरल ब्लीचिंग कर सकते हैं, अपना क्या नाम है उसका, आलू नींबू वो सब चीज़ें लगा के इफ़ यू कीप इट फॉर सम टाइम इट ब्लीचेस दैट पर्टिकुलर एरिया, यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो। ठीक है ना, दिस इज द होल थिंग विच आई विल डू। सुमन जी, सर मेरा LH 59 है, FSH 1.1 है, प्रोलैक्टिन 94 आया है, प्लीज़ आंसर मी व्हाट टू डू। सी, ये नहीं मैटर करता कि LH कितना आया, FSH कितना आया या प्रोलैक्टिन कितना, ये मैटर करता है आपको सिम्टम क्या है। सवाल ये नहीं है कि आपके हार्मोन कितने हैं, सवाल ये है कि आपके सिम्टम क्या है और क्या वो सिम्टम इन हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से लग रहे हैं या नहीं। ठीक है, शरीर में कई दफ़ा उम्र के साथ हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, हमारे इवन डे के साथ, हमारे दिनचर्या के साथ, खाने पीने के हिसाब के साथ हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं। सो सिर्फ हार्मोन ऊपर नीचे हुआ ये बीमारी नहीं है, हार्मोन ऊपर नीचे की वजह से शरीर में कोई दिक्कत हो रही है तो वो बीमारी। तो आपको एक बार गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाओ, एक कम्प्लीट असेसमेंट होगा कि आपके शरीर में कहाँ क्या इशू है और क्या ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है, तब उसके लिए कुछ स्टेप लिए जाएंगे। अगर उसको लग रहा है कि वो नहीं है थायराइड भी, तो वो नहीं है कुछ और कारण है, तो वो पहले ठीक करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो ये नहीं होता कि हार्मोन इम्बैलेंस है तो पहले हार्मोन के लिए दवा ले लो, ऐसा नहीं होता। सॉरी। लिप्स के ऊपर परते हैं डिहाइड्रेशन का साइन है, लिप्स के ऊपर परतों के लिए सबसे पहले पानी पीना शुरू करिए। इसी बात में मुझे पानी दिख गया क्योंकि मुझे पीना पड़ेगा, पानी पीना चाहिए। ओहो, मैं तो रह गया और ऑर्डर नहीं किया, खाना भी ऑर्डर नहीं किया, खाना आना पड़ेगा अभी। एनीवेज, तो उसके लिए डिहाइड्रेशन नंबर वन साइन, ड्राई स्किन वाला मेरा वीडियो देखो, ड्राई स्किन, और वो फॉलो करो, इट्स विल बी वेरी गुड फॉर यू। ओके, राइट। होटल मैनेजमेंट, वेट, डार्क स्पॉट्स, यूरिन इन्फेक्शन के सिम्टम नहीं है। यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है क्या? फीवर हो रहा है, इचिंग, बर्निंग, नहीं ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन मतलब फीवर है लेकिन यूरिन में बर्निंग नहीं है, यूरिन में कोई जलन नहीं है, तो भी यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, इट्स पॉसिबल। कई दफ़ा वहाँ की अगर जो एक्चुअल जलन वाली नस ख़राब हो गई, B12 डेफिशिएंसी है, न्यूरोपैथी है, डायबिटीज़ है, ऐसी कोई भी कारण से अगर नस ख़राब हो गई तो वहाँ जलन या दिक्कत या बर्निंग या पेन नहीं होगा। ऐसे केस में कन्फर्म करने के लिए आप यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी करा सकते हैं। अगर यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी में आपका पस सेल्स आ रहे हैं या लिम्फोसाइट्स बड़े हुए, ल्यूकोसाइट बड़े हुए, तो फिर दैट इज़ इन्फेक्शन। ठीक, ओके। जब मैं सोने जाता हूँ हार्ट बीट, पाल्पिटेशन वाला वीडियो देखो, पाल्पिट पार्ट बीट पार्ट बीट। पंकज जी ठाकुर साहब, आपका जवाब हम दे चुके हैं, थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल गाइडेंस, ऑलवेज श्योरली विजिट अ डॉक्टर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। जय हिंद, जय हिंद। मेरी मदर की एज 54 है, कैंसर स्क्रीनिंग के लिए कौन कौन से टेस्ट कर सकता हूँ? वेरी गुड क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन बोल लूँ मैं। 54 की एज में एक तो ब्रेस्ट मेमोग्राफी, ब्रेस्ट का या तो अल्ट्रासाउंड की, अल्ट्रासाउंड मेमोग्राफी होती है, एक्सरे वाली मेमोग्राफी होती है, वो करा सकते हो आप। आपको कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के लिए उनका पैप स्मियर ज़रूर कराना है, अल्ट्रासाउंड आप पेट का करा के देखिए, और आप उनके ब्लड टेस्ट करिए। इसमें CA125 से लेके बहुत सारे स्क्रीनिंग मेथड्स हैं जो कैंसर्स के पैकेजेस आते हैं, हर एक लैब में अलग अलग है। सो एक बेसलाइन तो पहले यही टेस्ट होते हैं, लेकिन हाँ, अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है नीचे से कहीं पे भी, कोई भी ऐसे साइन सिम्टम है, तो फिर वो बहुत ज़रूरी है। और एक फुल हेड टू टो इवेल्युएशन ज़रूरी है, ये सबसे बड़ी चीज़ जो लोग छोड़ देते हैं कि सिर्फ ब्लड टेस्ट हेल्थ चेकअप नहीं है, डॉक्टर ने सुपर से नीचे तक नहीं देखा तो फिर आपका हेल्थ चेक पूरा नहीं है किसी भी एज में। सो यू हैव टू डू दैट ऑल्सो। एंड देन फॉर अदर टाइप्स ऑफ कैंसर, स्किन कैंसर, ये कैंसर, उनको खुद को देखना है कि क्या कोई ऐसी
गांठ है स्किन के ऊपर कहीं भी जो एबनॉर्मली बड़ी है, एबनॉर्मली अतरंगी है या रंग चेंज कर रही है, ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट एट एनी एज, राइट? एट 70, 54 इज ऑल्सो, और 54 पे मीनोपॉज हुआ है नहीं हुआ है, पोस्ट मीनोपॉजल कोई और साइंस सिंड्रोम वैसा तो नहीं आया, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ओके, अस्मा जी, अस्मा, अस्मा फीमेल ही लग रही है. सर क्या हेयर सीरम और फेस सीरम सेफ है? क्या हेयर सीरम फेस सीरम सेफ? ज़रूरी नहीं है एक्चुअली, ये बना देते हैं सीरम, बोल देते हैं सीरम नहीं होता नॉर्मली. एक्चुअल सीरम क्या होता है, जब ब्लड है, ब्लड निकाल के, ब्लड में जो लिक्विड होता है, ब्लड के सेल्स हटा दो तो ब्लड लाल कलर का नहीं होगा, वो वाइट कलर का होगा, वो सीरम होता है, राइट? ब्लड में जो सीरम, अब वो एक्चुअल सीरम नहीं लगाते, वो एक हेयर का कोई चीज़ बना देते हैं गाड़ी सी और उसको बोलते हैं सीरम. फेस में कुछ लगाने का बना देते हैं उसको बोलते हैं सीरम, ऐसा नहीं है, वो अपने आप नाम दे देते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि वो सेफ है, उसमें केमिकल क्या है वो मैटर करता है. क्वाइट फ्रैंकली हेयर के केस में और फेस के केस में जितना कम आप करोगे उतना बेहतर होगा, ये याद रखो, लेस इज मोर इन दैट केस. सो आपको अपनी रूटीन ऐसी करनी है कि कम से कम चीज़ें रिक्वायर्ड हो. एक पेड सवाल आया है, पेड सवाल ले लेते हैं उसके बाद वापस आते हैं, अभी तक हमें ज़्यादा तो फिर हाँ पेड सवाल ही ले लेते हैं. दिव्या जी का एक सवाल दिख रहा है, एसिडिटी बता दिया असी. चलो भाई बहुत सारे सवाल हो गए. लाइव चैट, सुपर चैट, सुपर चैट, टाइम फॉर सुपर चैट्स. ऑल राइट, सुपर चैट आया क्यों नहीं, आया ही नहीं है. आज वुमन डे है, ओनली वुमन ही होंगी. कल मिल दे या फिर रूड, नो प्रॉब्लम. सर रूड नो प्रॉब्लम, फाइन. क्या यार, कोई रूडनेस थोड़ी है यार, ऐसी क्या बात है, है? एक दिन कुड़ियों नू दे दो, की प्रॉब्लम है तुहानू, है? पन्ना पिंकी, सर मेरा WBC काउंट 300,000 है, क्या वो सीरियस प्रॉब्लम है? सीरियस तो नहीं है बट इट कैन बी पोस्ट वायरल, पोस्ट ये 300,000, 300,000 नहीं हो सकता आपकी सीरियस, 3,000 से होता है, आप गलत बोल रहे हो या फिर लैब रिपोर्ट गलत है, जाके चेक कराओ, फिर से रिपोर्ट चेक करो. एक आया नहीं यार, आया नहीं, आया नहीं, सुपर चैट का क्वेश्चन दिखाया नहीं. आया आया आया, अस्मा जी. ओके अस्मा जी, आपने पे किया, थैंक यू सो मच. आपका सवाल तो वही था सीरम वाला. क्वाइट फ्रैंकली मैं ना तो फेस सीरम ना हेयर सीरम यूज़ करूँगा, ना करना मैं सजेस्ट करूँगा. इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, फॉर योर फेस हेल्थ और हेयर हेल्थ, कोई भी चीज़ ऐसी. ठीक है आसमा, वैसे ये बात चाहिए कि कई सीरम्स अच्छे भी हो सकते हैं, कई सीरम्स में केमिकल्स गलत भी हो सकते हैं. तो ये बहुत वेरिएबल है, मार्केट पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई FDA रेगुलेशन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, जो जिसकी जो मर्जी है वो डाल सकता है. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कॉस्मेटिक्स वर्ल्ड का, कॉस्मेटिक वर्ल्ड के अंदर ये है, जिसकी जो मर्जी वो डाल दे और बना दे, ऐसा है, क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, ये प्रॉब्लम है. और नकली भी बहुत सारे हैं, नकली का तो फिर तो आपको पता ही है क्या हिसाब है, राइट? सो एक दो सवाल ले रहे हैं और देख लेते हैं कोई फीमेल सवाल रह जाता है तो, नहीं तो हम चलते हैं सायोनारा वाला, राइट? डायबिटीज़ कैन बी रिवर्स, मेरा डायबिटीज़ वाला वीडियो देखो. मास्टर बर्सन, मास्टर बस्टन का सलूशन चाहिए आपको, मास्टर बस्टन का सलूशन है, शादी कर लो वरना मेरा वीडियो देखो. कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सलूशन क्या होता है उसका, जो प्रॉब्लम नहीं है उसका सलूशन क्या. Then. ओहो, हर्पी जोस्टर हो गया है रुद्र प्रताप सिंह जी, माता जी को. देखिए क्षमा करिएगा, हर्पी जोस्टर की एंटीवायरल मेडिसिंस आती हैं, मेडिसिंस का नाम मैं यहाँ पर प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन एंटीवायरल मेडिसिंस आती हैं. ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये क्लिनिक नहीं चल रहा है, ये गाइडेंस है. आपको ये बात याद रखनी है कि पहला काम आपको करना है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, वो डायग्नोस करेगा कि ये हर्पीज जोस्टर है या कोई और इन्फेक्शन है. हर्पीज जोस्टर एक वायरस है, इस वायरस के लिए एंटीवायरल मेडिसिन चलती है और ये कई दफ़ा पूरी तरह ठीक नहीं होता तो मतलब रह जाता है नसों के अंदर, आगे फिर आ सकता है. तो रिमेंबर, इसको पूरा ठीक करो और जाके डर्मेटोलॉजिस्ट से दवा लिखवा लो.
सॉरी, फ्रूट्स में शुगर कम होती है, रोटी में शुगर ज़्यादा होती है, बहुत बार बताया मैंने, मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए। चलिए 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 और देखते हैं, किसी का सवाल आज नहीं दिख रहा। चलो दोस्तों क्षमा चाहते हैं, आज सिर्फ फीमेल्स डे हैं तो फीमेल्स के ऊपर डेडिकेटेड है। फिर मिलेंगे आपसे और फिर सवाल पूछेंगे। एक काम करते हैं, आज एक लाइव और कर लेते हैं हमारे FAQ चैनल पे। FAQ चैनल पे लाइव आइए, FAQ चैनल पे हम नॉर्मल लाइव करते हैं, ठीक है।